हार्ट अटैक का मतलब है कि हमारे हार्ट की आर्टरीज में, जो कि एक तरीके का पंपिंग सिस्टम होता है, उसमें रुकावट आ जाए। तो जिस एरिया में हार्ट के अंदर में रुकावट आने से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, वो एरिया मर जाएगा, उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और अगर उसके मरने से बाकी के हार्ट के अंदर में भी इफेक्ट आता है और पूरा का पूरा हार्ट बंद हो जाता है, उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट का एग्जाम्पल है कि जैसे गाड़ी जा रही है, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, आपकी गाड़ी बंद हो गई लेकिन इंजन चालू है, तो हार्ट अटैक। अगर इंजन भी बंद हो गया तो कार्डियक अरेस्ट। जैसे इंजन को धक्का देके चालू किया जाता है, वैसे ही कार्डियक अरेस्ट में CPR देने से 50% लोगों को रिवाइव किया जा सकता है। हार्ट अटैक तब होता है जब अंडरलाइंग ब्लॉकेजेस हों और वो ब्लॉकेज फट जाए किसी भी कारण से। जैसे एग्जाम्पल है कि सड़क पे अगर आपने सड़क एंक्रोच कर रखी है और एकदम से ट्रैफिक ज़्यादा आ गया और उस कारण से आपका सारा सामान जो एंक्रोचमेंट वाला है वो फट गया और सड़क पे आ गया और ट्रैफिक जाम हो गया, उसी तरीके से हार्ट की कोई ब्लॉकेज अगर फट जाए और उसके कारण से क्लॉट बन जाए, उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर एकदम से हार्ट अटैक हो तो 300 मिलीग्राम एस्पिरिन की गोली चबाने से 20% मरने की संभावना कम हो जाती है और उनको 90 मिनट के अंदर अंदर नियरेस्ट अस्पताल में ले जाएं ताकि उसकी जो ब्लॉकेज है उसको खोला जा सके। लेकिन अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए और हार्ट रुक जाए तो 10 मिनट के अंदर, कम से कम 10 मिनट तक, 10x10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अगर उसकी हम छाती को 2 इंच तक दबाते जाएं तो 50% लोगों की जान को बचाया जा सकता है। हमारी अभिनेत्री श्रीदेवी जी की डेथ हुई, पूरी फैमिली को कंडोलेंस। ये एक एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए कि विमेन को 55 साल से पहले भी हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक सडन डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ज़्यादातर औरतें जो हैं वो कंसर्न है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, लेकिन हाँ, ब्रेस्ट कैंसर से कंसर्न रहो, लेकिन इक्वली कंसर्न रहो कि कभी मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं होगा। याद रखिए, विमेन में जो हार्ट अटैक होता है वो मेन के हार्ट अटैक से डिफरेंट होता है। विमेन को चेस्ट पेन कम होता है, उन्हें हल्की सी तकलीफ हो सकती है, उनका ECG अनरिलायबल हो सकता है, उनका स्ट्रेस अनरिलायबल हो सकता है।